हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। इसका मेन मकसद होता है लोगों को हाइपरटेंशन बीपी के बारे में जागरूक करना। अनट्रीटेड जो हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, वो रिस्क इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अदर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसकी वजह से। डाइट रिच इन हाई सैचुरेटेड फैट कंटेंट, ये जो है ये हमारे मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं। ब्लड प्रेशर इज़ नॉट अ डिजीज इट सेल्फ, ठीक है, ये एक साइन है कि आगे जो है हमारे ऑर्गन्स को डैमेज हो सकता है। तो हमें, अगर हम अपना बीपी कंट्रोल में रखेंगे तो हमारे बाकी जो मेजर ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो ठीक रह सकते हैं। इसलिए हमें जो है अपना पीरियोडिकली ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर करते रहना चाहिए ताकि वो चेक में रहे, और लाइफस्टाइल मेजर्स अपनाने चाहिए, जैसे एरोबिक एक्सरसाइजेज हो गई, बैलेंस डाइट हो गई, डाइट रिच इन लो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और लो सोडियम। इससे हम अपने शरीर को जो है तंदुरुस्त रख सकते हैं और आने वाली बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। इसका मेन मकसद होता है लोगों को हाइपरटेंशन बीपी के बारे में जागरूक करना। हाइपरटेंशन जो है इस साल का थीम है, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। हाइपरटेंशन जो है वो एक कॉमन कंडीशन है जो कि हमारे शरीर को अफेक्ट करती है। वह ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है दैट इज़ इट इज़ लोअर देन 120/80 mm ऑफ मर्करी। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर हम बोलते हैं, रेज्ड ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है बिटवीन 120 to 129 mm ऑफ मर्करी ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉट अबव 80 mm ऑफ मर्करी। अब इसकी वेरियस स्टेजेस होती हैं, जैसे होता है स्टेज 1 हाइपरटेंशन, इसमें होता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 130 to 139 mm ऑफ मर्करी और डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ 80 to 89। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन होता है जिसमें होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ मोर देन 140 एंड अ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ मोर देन 90 mm ऑफ मर्करी। जी अगर ब्लड प्रेशर जो है 180/120 mm ऑफ मर्करी से ज़्यादा हो जाए तो इट इज़ कंसिडर्ड एज हाइपरटेंसिव एमरजेंसी और क्राइसिस, ठीक है। अनट्रीटेड जो हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, वो रिस्क इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अदर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसकी वजह से। और बेसिकली हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स जैसे कि क्विट स्मोकिंग, एक्सरसाइज एंड ईटिंग अ हेल्दी बैलेंस डाइट जो है, इस चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को। अब वेरियस सिम्टम्स क्या होते हैं ब्लड प्रेशर के, अब इसमें मोस्ट जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम नहीं होते हैं। इवन अगर ब्लड प्रेशर की रीडिंग डेंजरसली हाई लेवल पे भी आ जाए, कई बार जो है कोई सिम्टम पेशेंट को नहीं आता है। बट कुछ लोगों को सिम्टम आ सकते हैं, जैसे हेडेक हो गई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलना, या फिर नाक से ब्लीडिंग होना, नकसीर होना, या फिर आँख में कई बार ब्लीडिंग हो सकती है। इस कंडीशन में हमें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब वेरियस जो ट्रीटमेंट होता है हाइपरटेंशन का, जो मेन कॉज है हाइपरटेंशन का वो होता है वेरियस, जैसे ओबेसिटी हो गया और जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स हो गए, या फिर अदर कंडीशंस हो गई, जैसे इसमें हेरिडिटी का भी कोई रोल रहता है यस, हेरिडिटरी का मेजर रोल है। हमें देखा गया है कि जेनेटिकली जो है बहुत से लोग जो हैं इस बीमारी से पीड़ित होते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या रहता है और प्रिवेंशन किस तरह किया जाता है? ट्रीटमेंट अगर किसी को बीपी जल्दी हो जाता है हाँ या यंग एज में, भी आजकल देखते हैं कि स्ट्रेस बहुत पढ़ाई का है, बच्चों के ऊपर नौकरी नहीं है, तो ट्रीटमेंट और क्या रहता है इसका? देखिए, मेजर ट्रीटमेंट जो है जो कि हम खुद भी कर सकते हैं वो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जी उसमें मेजर रोल होता है हमारा वेट का। वी हैव टू कंट्रोल आर वेट। हमें अप्रॉक्सीमेटली अपना जो 10% वेट है ओवर ए स्पैन ऑफ 6 मंथ्स हमें कंट्रोल करना चाहिए। आइडियल बॉडी वेट जो है वो कंसिडर किया जाता है, जितनी एक इंसान की हाइट है इन सेंटीमीटर्स, उसमें से हम 100 माइनस करते हैं, प्लस माइनस 5 kgs, दैट इज़ कंसिडर आइडियल वेट। हमें अपना वेट जो है वो अकॉर्डिंगली उसी रेंज में चेक में रखना चाहिए। दूसरा होता है कि वेरियस जो नशे की चीज़ें जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, इसे हमें क्विट करना चाहिए, और अल्कोहल इंटेक को हमें मॉडरेट करना चाहिए, लिमिट करना चाहिए, ताकि इससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। तीसरा मेजर रिस्क फैक्टर होता है हमारा जो है सोडियम इंटेक। हम बोलते हैं कि नमक हाँ, नमक नमक इंटेक, सोडियम इंटेक को हम लेस देन 2.4 ग्राम्स पर डे हमें रखना चाहिए, और वेरियस मिनरल्स होते हैं जिनकी हमें एडिक्वेट क्वांटिटी में कंजप्शन रखनी चाहिए।
और आजकल जैसे देखा गया है कि वेरियस जैसे जंक फूड्स हैं जिसमें मैं उस पर आने वाला ही था। ओके बच्चे हमारे जो आजकल के हैं घर का खाना पसंद नहीं करते हैं, चलो जी जंक फूड में खा के आते हैं, डोसा खा के आते हैं, बर्गर खा के आते हैं, पिज़्ज़ा या मोमोज या सो मनी फैटी थिंग्स हैं, तो उससे बीपी का क्या रिलेशन है? देखो, ये जो है ये जो है डाइट रिच इन हाई सैचुरेटेड फैट कंटेंट, ये जो है ये हमारे मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स को इंक्रीज़ करते हैं, हमारी इससे हमें मोटापा होता है, जिसकी वजह से वेरियस मेटाबॉलिक डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया और फैटी लीवर जो कि मेजर है। आजकल हम देखते हैं कि एडोलेसेंट यंग एज में ही जो है ओबेसिटी जो है प्रेवलेंट है, इसकी वजह से आगे जो है लाइफ स्पैन पे फ़र्क पड़ता है और वेरियस जैसे मेटाबॉलिक रिस्क डिजीज़ हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ये इनकी प्रीडिस्पोजिशन जो है वो बढ़ जाती है। हाइपरटेंशन के कारण जो है मेजर हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं, जैसे ब्रेन है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट में हार्ट फेलियर हो सकता है, ये हमारे किडनीज पे अफेक्ट कर सकते हैं, हमें जो है डिमेंशिया हो गया, ये प्रॉब्लम्स जो हैं हो सकती हैं। तो हमें बेसिकली अपना बीपी जो है वो चेक में रखना चाहिए, हमें पीरियोडिकली अपना बीपी जो है वो मेजर कराते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है, तो क्या अवेयरनेस किस किस्म की होनी चाहिए कि ताकि दूर दराज के इलाकों में या जहां अभी रीच नहीं है उनको किस किस्म की दवाइयों का, या क्या कहना चाहते हैं अवेयरनेस देखो किस किस्म की होनी चाहिए? देखो लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए टुवर्ड्स टू कंट्रोल देयर ब्लड प्रेशर। जी ठीक, ब्लड प्रेशर इज़ नॉट अ डिजीज़ इट सेल्फ। ठीक है, ये एक साइन है कि आगे जो है हमारे ऑर्गन्स को डैमेज हो सकता है, तो हमें अगर हम अपना बीपी कंट्रोल में रखेंगे तो हमारे बाकी जो मेजर ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो ठीक रह सकते हैं। इसलिए हमें जो है अपना पीरियोडिकली ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर करते रहना चाहिए ताकि वो चेक में रहे, और लाइफस्टाइल मेजर्स अपनाने चाहिए, जैसे एरोबिक एक्सरसाइजेज हो गई, बैलेंस डाइट हो गई, डाइट रिच इन लो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और लो सोडियम, इससे हम अपने शरीर को जो है तंदुरुस्त रख सकते हैं और आने वाली बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब कोई पेशेंट आपके पास अप्रोच करता है तो आप उसको दवाई दे देते हैं कि भाई आपका बीपी हाई रहता है, तो किस किस्म का दवाई होता है और किस कैसे वो लेना चाहिए कि ताकि वो हेल्दी और वेल्दी रहे? देखो, अगर किसी को एक बार हाइपरटेंशन डायग्नोज हो गई है तो हम उसका जो है कॉज रूल आउट करने की कोशिश करते हैं, क्यों हो रही है। एक मेजर कॉज होता है असेंशियल प्राइमरी हाइपरटेंशन और असेंशियल हाइपरटेंशन, जी उसमें हमें कई बार कॉज नहीं भी मिलता है। दूसरा होता है वेरियस किडनी की प्रॉब्लम्स हैं या और कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो सकता है। अगर किसी डॉक्टर ने आपको दवाई प्रिस्क्राइब की है तो हमें उसको जो है रेगुलरली लेना चाहिए और अपने जो है बीपी को रेगुलरली मॉनिटर कराना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो है वेरियस जो हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स हैं या ब्रेन रिलेटेड एलिमेंट्स हैं वो चेक में रहते हैं। तो क्या संदेश दे देंगे आप वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के ऊपर? हमें जो है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमें अपना लाइफस्टाइल मेजर्स जो हैं वो रखने चाहिए, अपना हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और अपना बीपी जो है वो चेक पीरियोडिकली चेक कराते रहना चाहिए, अगर वो हाई है तो डॉक्टर से मिलके दवाई लेनी चाहिए। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।